भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल जिस मजबूती के साथ मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल रहे हैं और आम जन मोदी के नेतृत्व पर अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ जिस तरह से जनता में गुस्सा है, जिस तरह से लोग मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए ये एजेंसियों के माध्यम से एजेंसियों को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को निशाने पर रख करके अपना राजनीति साधना चाह रहे हैं। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया और आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के लिए जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जिस अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश का सबसे भ्रष्टाचारी, देश के अंदर 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी और किन किन शब्दों से उन्हें अलंकृत किया था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हैं उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जाता है और उस भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने का काम करती है। भ्रष्टाचार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा पैमाना और दोहरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एजेंसियों के डर से चले जाते हैं उनको ये वॉशिंग मशीन में ले जा करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाते हैं, और जो इनके खिलाफ मुखर होकर के, जो इनकी नीतियों का मुखर होकर के विरोध करता है उनको एजेंसियों के माध्यम से पहले डराने का काम करते हैं। जब इनके साथ वो नहीं जाते हैं तो उनको एजेंसियों के इस्तेमाल से गिरफ्तार करवाने का काम करते हैं। और जो केजरीवाल के भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आज उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो स्वयं केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी पार कर गई। आज उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में कोई नहीं, और बेशर्मी की हद तो देखिए कि जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये शायद देश और दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसी बेशर्मी देखने को मिलेगी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।